जैसे कि हमने अपने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि आस्था ने उन दो फ्यूज डेविल्स नामा और लेवी दोनों को बीच से ही फाड़ दिया था। नाउ आज के इस वीडियो हम उसके आगे के 10 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। चैप्टर 291 से लेकर 300 तक के आज के सभी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। नाउ जैसे ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है हम देखते हैं कि नामा और लिली दोनों की बॉडी हवा में डिसइंटीग्रेट हो रही थी। मर गए दोनों साले, आस्था हे करके हंस रहा था। वो नेट की थोड़ी बहुत तारीफ करता है कि आप बिल्कुल कैप्टन यामी की तरह ही हैं। इसी बीच में हमें पता चलता है कि आस्था अगले 30 मिनट तक अपने डेविल यूनियन मोड को नहीं ले सकता है बिकॉज उसकी बैटरी अभी रिचार्ज हो रही है, जस्ट बिकॉज कि उसने स्टिल अभी तक अपने डेविल यूनियन मोड को कम्प्लीटली मास्टर नहीं किया था। अब नेट के पास तो इतना टाइम नहीं था ना कि वो 30 मिनट तक और वेट कर ले। अंडरवर्ल्ड का पहला गेट ओपन हो चुका था, अब सेकेंड गेट ओपन होने से पहले उसे डार्क ट्राइड को भी तो हराना था ना। नेट बस यही प्रे कर रहा था कि सभी मैजिक नाइट 30 मिनट तक तो इन सबको होल्ड करके ही रखे। दूसरी ओर हम जैक को देखते हैं जो डांटे से फाइट कर रहा था, बट उसकी सिचुएशन अब काफी इंटेंस हो चुकी थी, तो जैक को बैकअप देने के लिए मैगना और जोरा उसके साथ आ जाते हैं। अब जैक इस बात से नाराज होता है कि आखिर तुम दो झल्ले इसका क्या ही उखाड़ लोगे, ये तुम्हारी गांडे फाड़ देगा। जैक तू रुक अभी, कमाल देख पहले मेघना का क्या करता है। मेघना और डांटे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, तो मेरा क्या ही उखाड़ लेगा, तेरी क्या औकात है मेरे सामने, तू तो एक साधारण इंसान है वगैरह वगैरह लाइक समथिंग ऐसा ही कुछ। चलो अब हम एक्शन पर आते हैं। डांटे अपने फुल फॉर्म में आ जाता है और उसकी फुल पावर्स को देखने के बाद मेघना के गांड से खून निकलने वाला होता है। डांटे मेघना को बोलता है कि हे तू, हाँ तू अपनी पूरी ताकत के साथ मेरे ऊपर अटैक कर और जब उसके बाद भी तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तो यहाँ से तुरंत दफा हो जा। अब इतना कुछ सुनने के बाद और जलील होने के बाद मेघना की अंतर आत्मा जाग जाती है। अब मेघना बैटल फील्ड को छोड़ के तो भाग सकता नहीं था, बची खुची इज्जत का जो सवाल था उसकी। मेघना एक मैजिक को कास्ट करता है, सोल चैन डेथ मैच। इस एक चैन के सिरे को मेघना ने डांटे की बॉडी से कनेक्ट कर दिया और ये मारा मुक्का जोरदार उसका जबड़ा हिल गया। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर, इस जाहिल ने मुझे चोट कैसे पहुंचाई भला, डांटे का कुछ ऐसा रिएक्शन था। एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है हमें 6 महीने पहले की। मेघना जोरा के पैर में गिर के उसके पैरों को पकड़ के उससे बहुत सारी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी इतना ट्रेन कर दो कि मैं भी बिना हाई मैजिक के अपने किसी भी अपोनेंट को टेक डाउन कर सकूं। बहुत बहुत रिक्वेस्ट के बाद जोरा मान जाता है और मेघना को अपने सीक्रेट बेस पर लेके जाता है। जोरा ने मेघना को एक माना मेथड करके सीक्रेट मूव को बताया जिसे अल्टीमेट सेल्फ भी कह सकते हैं। फाइनली हाफ ईयर के बाद मेघना ने खुद को इतना ट्रेन किया कि उसने इस सीक्रेट मूव को मास्टर कर लिया। ड्यूरिंग दिस सिनेरियो वो अपने इस चैन को जिससे भी कनेक्ट करेगा इन दोनों की मैजिकल पावर्स इक्वल हो जाएंगी। डजंट मैटर कि तुम्हारा पावर लेवल 2% है और तुम्हारे अपोनेंट का 100% है, चैन के लिंक होने के बाद ये दोनों की ही पावर्स को इक्वल कर देता है। इट मीन की 51% एंड 51% को रेशियो की तरह डिवाइड कर देता है। अब मेघना और डांटे दोनों इक्वली पोजिशन पर एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। मेघना उसको पंचेस से हिट किया जा रहा था पर डांटे खुद को तुरंत हील कर ले रहा था। मेघना जितने भी पंचेस से डांटे को हिट करता था वो तुरंत ही अपनी बॉडी को हील कर लेता था। डांटे की हीलिंग एबिलिटी सच में काफी इंसेन थी। मेघना धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था डांटे की हीलिंग एबिलिटी के सामने। भले ही दोनों की पावर्स इक्वल थी बट उसकी हीलिंग एबिलिटी उसे हर बार बचा ले रही थी। नाउ मेघना भी अब काफी इंजर्ड हो चुका था। मेघना की छोटी सी फ्लैशबैक स्टोरी को भी हमें दिखाया जाता है कि एक कॉमनर होने के बावजूद वो कैसे यहाँ तक आया और कैसे यामी ने उसको एक कॉमनर होने के बावजूद भी अपने टीम में शामिल किया। और दूसरी ओर आस्था जो वो भी कॉमनर है और बिना मैजिक के है उसके बावजूद भी इतना स्ट्रॉन्ग है। इसी बीच में हम देखते हैं कि डांटे अब अपनी सारी डेविल्स की पावर्स को खो चुका था। उसके अंदर की डेविल लूसीफेरो ने उसकी बॉडी को छोड़ दिया था, सो नो ग्रेविटी पावर्स। मेघना ने डांटे की सभी डेविल्स पावर्स को सील कर दिया था। डांटे के पास लूसीफेरो की जो भी पावर्स थी वो तो सिर्फ उसे ड्रेन कर रहा था ताकि उसकी सभी पावर्स खत्म हो जाए। नाउ अब वो एक सिंपल ह्यूमन क्रिएचर था जिसके पास किसी भी तरह की मैजिकल एबिलिटीज नहीं थी। आस्था और लगोने नोटिस किया कि कैसे मेघना ने डांटे को हरा दिया, जिसको हराने में यामी और आस्था दोनों की हवा निकल जाती है। सुप्रीम डेविल की पावर्स थी साले के पास। नाउ इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो भी नाइट्स हैं वो मैजिकल फूड खा के खुद को पावर अप करते हैं, अपनी बैटरी को रिचार्ज करते हैं। मोर स्टील गेट को ओपन करने में लगा था, उसने नोटिस किया कि लूसीफेरो ने डांटे की बॉडी को छोड़ दिया है। नाउ अब डांटे की बॉडी धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी जिसे अब जैक हैंडल कर रहा था। हम वेनिका को देखते हैं जिसने लोलो पेचका को कैप्चर कर लिया था और शालेट उसका सामना नहीं कर पा रही थी। नाउ इसके बाद नोएल और गाजा की एंट्री होती है। नोएल अब अंडाइन वाटर स्पिट की होस्ट बन चुकी थी जब तक लोलो पेचका फ्री नहीं हो जाती। फ्लैशबैक स्टोरी में हमें पता चलता है कि अंडाइन की जो भी मैजिकल एबिलिटी जो भी उसकी स्ट्रेंथ है वो सभी डिसॉल्व हो जाए
जाएगी अगर वो पेचका के कॉन्टेक्ट में जाएगी तो, बिकॉज पेचका मैगी कुला की कर्स मैजिक में फिलहाल के लिए ट्रैप थी। नेचर स्प्रिट ने इन दोनों को एक साथ काम करने के लिए बोला ताकि ये वेनिका को हरा सके। इनकी फ्लैशबैक स्टोरी के बारे में भी हमें पता चलता है कि कैसे उसने कई सालों पहले अपने होस्ट क्वीन के साथ अपने किंगडम को प्रोटेक्ट किया, और अब कई सालों के बाद लोलो पेचका मेरी एक ऐसी होस्ट है जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज की उसकी काइंडनेस एक वीक क्वीन होने के बाद भी। नाउ इसके बाद हम नोवेल को देखते हैं जिसने अपने साइंट वेलकरी आर्मर के अवतार को लिया, बट उसका ये अवतार सिर्फ एक मिनट के लिए ही था। वेनिका ने बहुत सारे रेड बीस्ट को वहाँ पर समन किया, बट नोवेल ने उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब नोवेल के पास सिर्फ 30 सेकंड ही बचे थे वेनिका को हिट करने के लिए, एंड थैंक गॉड वो अपने इस 30 सेकंड में वेनिका को हिट करने में सक्सेसफुल रही। वेनिका की पावर्स अब धीरे धीरे लगभग कम हो रही थी। मैगी कुला ने नोवेल को बताया कि उसने कैसे उसकी माँ को मारा था, मे बी उसे पहले नोवेल को ही मारना चाहिए था, ऐसा उस डेविल मैगी कुला ने नोवेल को कहा। नोवेल इसे सुनने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और उसने गुस्से में वेनिका को एक और बार हिट किया, और इस बार उसने अपनी स्वॉर्ड को वेनिका की बॉडी के आर पार कर दिया था। बट इसी बीच में वेनिका ने एक मैजिक को कास्ट किया था, द कर्स वार्डिंग मैजिक। नोवेल ने वेनिका को लगभग खत्म ही कर दिया था, बट वो मरती उससे पहले उससे बॉडी से मैगी कुला अपीयर हो जाती है। नोवेल इस बात से हैरान थे कि मैगी कुला भला ह्यूमन वर्ल्ड में कैसे एंटर कर सकती है, जबकि फिलहाल के लिए एक ही गेट ओपन हुआ है अभी तक। यहाँ पर मैगी कुला ने एक स्टेटमेंट दिया, उसने बताया कि मैंने एक स्पेल को कास्ट किया था, द सैक्रिफाइस। जब मैंने एसर सिल्वा यानी कि तुम्हारी मदर की जान ली थी, तब मुझे वेनिका की बॉडी को टेकओवर करने का मौका मिला था। नोवेल की माँ को मार के उसने एक रिचुअल को परफॉर्म किया था ताकि वो वेनिका की बॉडी पर अपना कंट्रोल ले सके, और क्योंकि वेनिका भी अपने मौत के सबसे करीब थी और मैगी कुला को भी एक ऐसे ही होस्ट की तलाश थी जो जल्दी मरने वाला हो। अगर वेनिका लोलो पेचका दोनों कम्प्लीटली मर जाते हैं तो मैगी कुला का कम्प्लीटली ह्यूमन वर्ल्ड में री इनकारनेशन हो जाएगा, उसका सेक्रीफाइस वाला स्पेल यही था। नोवेल का साइंस स्टेज की जो लिमिट थी वो खत्म हो चुकी थी, अब नोवेल अपने नॉर्मल ह्यूमन के फॉर्म में आ जाती है। इसी बीच में हम देखते हैं कि लोलो पेचका भी धीरे धीरे एक डेविल में अपीयर हो रही थी। उसने तो अपना पूरा हाथ ही गाजा के बॉडी के आर पार ऐसे कर दिया था। अपने लास्ट मोमेंट में गाजा ने एक स्पेशल लाइटिंग मैजिक को कास्ट किया, ये उसका एक फाइनल स्ट्राइक था। वो इस लाइटिंग से मैगी कुला के ऊपर अटैक करता है, पर इससे मैगी कुला का कुछ खास बिगड़ नहीं पाता है। गाजा की अब सिचुएशन काफी इंटेंस हो चुकी थी, मे बी वो शायद से मर सकता है। उस स्पेशल मैजिक ने गाजा की पूरी बॉडी को ही ड्रेन कर दिया था, यानी कि उसकी पूरी जो लाइफ फोर्स की एनर्जी थी वो कम्प्लीटली ड्रेन हो चुकी थी। मैगी कुला ने कर्स रिकवरी मैजिक से खुद को कवर कर रखा था ताकि उसके ऊपर कोई भी अटैक यूजलेस हो। अब कोई चांस ही नहीं था कि नोवेल मैगी कुला के अगेंस्ट जीत भी पाए। मैगी कुला ने जो बैरियर बनाया था, उस बैरियर के अंदर जितने भी लोग थे, नोवेल और इंक्लूडिंग शार्लेट, वो सभी लोगों को वो मारने वाली थी। वो जैसे ही लोलो पेचका को पूरी तरह से जान से मारती, उसका री इनकारनेशन ह्यूमन वर्ल्ड में कम्प्लीटली हो जाता, एंड नाउ लोलो पेचका को मारने ही वाली थी। एट लास्ट नोवेल के पास जो भी उसकी बची खुची पावर थी, वो वापिस से अपने वेल्करी आर्मर के अवतार को लेती है, पर इससे भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। एंड देन सडनली उसी बीच में आस्त्रा ने एंट्री मारी, और वो तुरंत ही लोलो पेचका को सबसे पहले रेस्क्यू करता है। खुशी की तो आंसू ही आ जाते हैं बेचारी नोवेल की आंखों में आस्था को देखने के बाद। और नोवेल की इसी खुशी के आंसू के साथ हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अपना रीयूनियन अपने नेक्स्ट वीडियो में होगा, एंड तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू गाइस।